Hello students, good morning and welcome to today's class. I hope you all are great and you all are safe too at your home, right? And taking your studies seriously, right? Class 10, kaisi bhi situation ho, studies for class 10 is must. Actually, study for everybody is must, but wo hota hai na, ek class 10th mein aate hai, toh hum thoda sa ek concentration hota hai, wo dusro se kuch different ho jata hai, na? That can be called your attention, your alertness, या कोई कोई इसको ये भी कह देता है कि बोर्ड एग्जाम्स का थोड़ा डर होता है तो जो भी चीज हो यू हैव टू टेक योर स्टडी सीरियसली बिकॉज यू नो दैट विदाउट एजुकेशन नथिंग इज पॉसिबल. ये जो हम लग्जूरियस लाइफ जीते हैं ना, जो हमें हैप्पी लाइफ चाहिए होती है, दैट कैन ओनली कम वेन वी आर सेटल्ड वेरी नाइस एंड टू गेट सेटल्ड एट प्रेजेंट टाइम इन दिस वर्ल्ड वी नो दैट एजुकेशन इज द मस्ट. So always pay attention and always be alert and always be aware when it deals to your education. So with this very beautiful and very sensible thought, we'll start with today's class. So as you all know that today we are going to take up a writing portion, okay? And the writing portion that we are going to take today is letter. It is from the term one syllabus of class 10 that is known as letter writing. Okay, you all know that what a letter writing is. The thing is, when we didn't have the social media platform to communicate with each other, how were the messages exchanged between two people? Okay, क्या होता था? Even जब राजा महाराजा थे, कोई भी था, message तो हमेशा से जरूरत पड़ी ना communicate करने की. Family के बहुत members जो हैं वो बाहर रहते थे. तो आपको हमेशा मैसेजेस कम्युनिकेट करने की नीड रहती थी. एंड टू कम्युनिकेट दिस मैसेजेस व्हाट वाज यूज्ड एज अ मीडियम, अ मैसेंजर. अर्लियर टाइम में आपने देखा होगा कबूतर के साथ एक मैसेज बांध दिया जाता था, वो जाके देके आ जाता था. देन उसके बाद में द मैसेंजर्स ऑफ द किंग, वो एक तरह के डेजिग्नेशन थी उनके कोर्ट के अंदर कि मैसेंजर्स होते थे जो आपके मैसेंजर्स पहुंचाते थे. लेटर एंड लेटर ऑन ऐसी चीजें बढ़ती गई विद द डेवलपमेंट, with the time चीजें change होती गई. Then came the most important and we can say कि बहुत पुराना ancient नहीं है, that can be near about एक latest के आसपास का एक trend था letter, that is being continued today also. आज भी post offices हैं, letters and mails आज भी जाते हैं because अभी भी बहुत से ऐसे areas है जहाँ पे internet and social media अभी भी नहीं पहुंचा. And there are many people also जो social media से इतने easy going नहीं है. So what more they use? Letter. So to communicate, the important thing is letter. One most important medium is letter. Now when we talk of letter writing, हमें पता है letters हम दो लोगों को लिख सकते हैं. Like एक तो वो लोग जिनके साथ हमें बिल्कुल formality नहीं होती और एक वो लोग जिनके साथ हमें बहुत formalities होती हैं. Formality होना और नहीं होना, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूंगी तो मैं बोलूंगी जहाँ पे औपचारिकताएं होती हैं वो आपके औपचारिक पत्र होते हैं, जहाँ पे औपचारिकता नहीं होती वो क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं. ठीक है, तो जहाँ पे फॉर्मेलिटी है वो लेटर्स कौन से होंगे? फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स, ठीक है. और जहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं होती वो कौन से होते हैं? इनफॉर्मल लेटर. ओके, फाइन. फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल. अब मैंने बोला जहां फॉर्मेलिटी नहीं है, क्या मम्मी पापा के साथ फॉर्मेलिटी होती है, भाई बहन के साथ फॉर्मेलिटी होती है, फ्रेंड्स के साथ फॉर्मेलिटी होती है या रिलेटिव के साथ में फॉर्मेलिटी होती है? सो द थिंग इज, एक तो आपकी फैमिली, दैट कंक्लूड योर पेरेंट्स, योर ब्रदर सिस्टर्स सिबलिंग्स एवरीवन. देन कम्स योर फ्रेंड्स, ठीक है. देन कम्स योर रिलेटिव, आपके कजन, ग्रैंड पेरेंट्स, एनीबडी कैन बी ओवर हियर. तो इन सबके साथ में आपको फॉर्मेलिटी नहीं होती, तो ये लेटर कौन से होते हैं? इनफॉर्मल लेटर. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ फॉर्मल लेटर, हमारे पास में आते हैं एडिटोरियल लेटर, एडिटर लेटर, बिजनेस लेटर, कंप्लेंट लेटर, ठीक है, एंड अदर ऑफिशियल लेटर, अदर ऑफिशियल लेटर. ठीक है, तो फॉर्मल लेटर्स में कौन कौन से लेटर्स आ गए आपके? एडिटर लेटर, बिजनेस लेटर, कंप्लेंट लेटर एंड अदर ऑफिशियल लेटर्स.
और इनफॉर्मल लेटर्स में कौन से आ गए? आपके फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव एंड कजन, तो ये सारे आपके लेटर्स आ जाते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. नाउ दिस इज द थिंग, तो अभी जो आपके एग्जाम में आएंगे वो इनफॉर्मल आएंगे, बट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बोथ बिकॉज अभी ये आ रहे हैं. सो व्हाट हैपेंड, जब हम लेटर्स कर ही रहे हैं तो इट्स गुड नाम दोनों, और इफ यू लर्न द इनफॉर्मल लेटर्स तो उसके बाद में इनफॉर्मल लेटर्स करना इज वेरी इजी, इट्स क्वाइट इजी. ओके, नाउ व्हेन वी आर डूइंग द फॉर्मल तो आप उस चीज से पूरा अच्छे से ध्यान देंगे, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग योर राइटिंग पोर्शन, राइटिंग पोर्शन में अगर आपने सिंपली वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ अ नोटिस राइटिंग, यू नो वॉट नोटिस राइटिंग में अगर आपने बहुत अच्छा नोटिस लिखा है, योर लैंग्वेज इज परफेक्ट, योर वोकैबुलरी इज अमेजिंग, बट इफ यू फॉरगेट टू मेक द बॉक्स इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू कंप्लीट मार्क्स दैट आर डिटरमाइंड फॉर दी फॉर्मेट, बिकॉज फॉर्मेट का पहला स्टेप क्या था? बॉक्स, वही आपने मिस कर दिया. खाना पूरा बना दिया, ऑयल नहीं डालना भूल गए, क्या वो खाना खाया जा सकता है? क्या वो सब्जी बना रहे हो उसके अंदर ऑयल नहीं डाला, क्या वो सब्जी खाई जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्या कर दिया जाएगा? उसको बाहर फेंक दिया जाएगा, कोई दूसरे एनिमल्स को डाल दिया जाएगा जो कि शायद उसको खा लेंगे, तो क्या है वो आपके काम का नहीं रहेगा. सो व्हेन द थिंग इज फॉर्मेटलेस तो उसका क्या मतलब है? ठीक है, तो फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ लेटर, ओके, हम सबसे पहले कौन सा लेटर लेंगे सो दैट आपको अच्छे से दूसरा भी आ जाएगा इसी से, विल टेक फॉर्मल लेटर. ओके, वी आर गोइंग टू टेक व्हाट? फॉर्मल लेटर. अब फॉर्मल लेटर के अंदर देखो, हम सबसे पहले एक मार्जिन ड्रॉ कर रहे हैं. दिस इज द मार्जिन ऑफ व्हाट, ये समझ लो ये आपकी नोटबुक का मार्जिन है. ठीक है, दिस इज द मार्जिन ऑफ व्हाट, दिस इज द मार्जिन ऑफ योर नोटबुक, ये आपकी नोटबुक का मार्जिन है. अब आपको हर चीज ना, यू हैव टू डू एवरीथिंग फ्रॉम दिस मार्जिन एज वेल. आपको इस मार्जिन से दूर मूव नहीं करना है व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ समथिंग और यू आर राइटिंग समथिंग. अगर मार्जिन से आपने रिमूव किया, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू कॉस्ट यू मार्क्स. तो सबसे पहले इसके अंदर आता है सेंडर एड्रेस. ओके, सबसे पहले क्या आया? सेंडर्स एड्रेस. फाइन, सेंडर्स एड्रेस के बाद में आप एक लाइन छोड़ के डेट लिख देना, राइट डेट, देन अगेन लीव अ लाइन एंड राइट एड्रेस ऑफ द रिसीवर, एड्रेस ऑफ द रिसीवर, द वन हू इज गोइंग टू रिसीव द एड्रेस. ओके, देन लीव अ लाइन एंड राइट सब्जेक्ट. Now see, a very important thing to be noticed is, you know one thing, ki agar hum, suppose we are running an organization aur wahan pe daily ke bahut se letters aate hain. Aaj mere paas information hai that there are 50 letters that are most important for today and unko mujhe aaj hi padh ke I have to respond them because jo bhi mujhe respond karna hai na, the last date for that particular thing is today itself. उसको रिस्पॉन्ड करने की. एंड फर्स्ट स्टेट की हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टुडे वी रिसीव 1000 लेटर एंड आउट ऑफ दैट 40 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. नाउ इफ देयर विल बी नो सब्जेक्ट ऑन द लेटर, नो सब्जेक्ट इज मेंशनड ओवर देयर, सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, यू नो, मैं उन लेटर्स को देखती जाऊंगी, आई हैव टू टेक आउट ईच लेटर फ्रॉम द एनवेलप और ओपन अप ईच लेटर and just read it what it's written and then I'm going to find out ki okay ye important wala hai isko side mein rakho dusra idhar rakho. So 1000 ko padhne mein what do you think ki kitna samay lag sakta hai? It's going to take almost the complete day and still main 1000 letters nahi pad paungi. Theek hai, and maybe ki mere suppose 100 letters baki reh gaye, I read only 900 and 100 is left and jo mere important 40 letters the na वो सारे के सारे उस 100 में, और रादर टेक के उसके 20 लेटर्स मैंने सॉर्ट आउट कर लिया एंड 20 आर रिमेनिंग इन द लेफ्ट वन 100. सो जस्ट थिंक कि क्या फिर मैं उसको रिस्पॉन्ड कर पाऊंगी, क्या मैं उन्हें कोई रिस्पॉन्स दूंगी, और विल आई बी एबल टू डू द वर्क दैट इज शेड्यूल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर डे? नो, आई वोंट बी एबल टू डू दैट, राइट? सो इफ देर आर सब्जेक्ट्स रिटन ऑन इट,
तो मुझे पता है मैं फटाफट से सब्जेक्ट देखूंगी, आई जस्ट सॉर्ट आउट द 40 लेटर्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर डे, और मैं उसको अच्छे से क्या करूंगी, पढ़ लूंगी, ठीक है। और उसको जो मुझे रिस्पॉन्ड करना है दैट आई विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड ऑन द टाइम, एकदम सही टाइम पे मैं उसका रिस्पॉन्ड भी दे दूंगी। एंड जो रिमेनिंग मेरे 960 लेटर्स है वो मुझे पता है दे आर इम्पोर्टेंट बट दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि उनको मुझे आज ही पढ़ना, तो उनको हम आराम से उनको देख सकते हैं, जैसे रिस्पॉन्ड करना कर सकते हैं। सो दिस इज डन बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस इज डन बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट। अनदर एग्जाम्पल दैट यू रिलेट टू इज वेरी क्लोज टू योर नॉलेज इज, आप लोग सभी अभी इंटरनेट यूज करते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू स्टिल सेंड लेटर्स, वेरी रेयर वन। अगर लेटर फॉर्मेट से हमें किसी को कुछ सेंड करना है तो हम क्या भेजते हैं, ईमेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल वी आर यूज टू सेंड नाउडेज, एंड दैट वो कहाँ हो जाती है, हमारे मोबाइल्स और पीसीज और एनी अदर आपका ये भी जो इंटरनेट डिवाइस होता है उसके थ्रू आप भेज देते हो। और उसमें आप हमेशा देखते हो ऊपर तो उसकी मेल आई डी लिखी जाती है जो भेज रहा है, दैट इज सेंडर्स एड्रेस टू सेंडर्स मेल आई डी, देन उसमें डेट ऑटोमेटिकली आ जाता है, देन एक लाइन आती है, देन आप जिसमें लिखते हो टू सीसी बीसीसी, है ना, तो वहां पे किन के एड्रेस होते हैं रिसीवर्स के, वो मेल को कौन कौन रिसीव करेगा। देन आफ्टर दैट देयर इज अ कॉलम ऑफ सब्जेक्ट, आपको हमेशा वहां लिखना पड़ता है, आप टक 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 टाइप करके लिख देते हो कि ये आपका मेल का सब्जेक्ट क्या है। अब आपको मालूम है ये एक फैक्ट है, आपको पता ही होगा, ऑब्वियसली बात है आप लोग सब बहुत ही टेक्नो सेवी हो चुके हो, सबकी अच्छी नॉलेज है कि जब हमारी कोई भी मेल होती है उसके अंदर अगर हमारा सब्जेक्ट नहीं होता ना, अगर हमारी मेल के अंदर सब्जेक्ट नहीं है तो हमारी वो मेल कभी भी इनबॉक्स के अंदर नहीं पहुंचती। मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मैंने तुम्हें मेल सेंड कर दी, तुमने देखी, एंड यू आर कंटिन्यूसली सेइंग मी कि नहीं तुम्हारी मेल नहीं आई है, तुम्हारी मेल नहीं आई है, इसे रिफ्रेश करो, स्विच ऑफ करो, ऑन करो, देन अगेन पुट द आईडी एंड पासवर्ड अगेन, और वापस से लॉग इन करके चेक करो मैंने सेंड की है, मेरे यहाँ से सेंड शो हो रही है, तो नहीं मिलेगी। देन अनदर अनॉलेजेबल पर्सन केम एंड स्टेज पेपर स्पैम बॉक्स में चेक करो, एंड व्हेन आई ओपन दैट स्पैम बॉक्स तो वो मेल कहाँ पे पहुंची हुई है, स्पैम बॉक्स में पहुंची हुई है, ठीक है। तो तुम बोलोगे हाँ यार तुम्हारी मेल तो आ गई बट एक्चुअली वो मेरे इनबॉक्स तक नहीं आई, वो मेरे स्पैम बॉक्स में ही रह गई है, ठीक है। एंड देन जब आपसे पूछा जाता है कि ये स्पैम बॉक्स में क्यों रही, आप उसी नॉलेजेबल पर्सन से पूछोगे कि ये उनकी तरफ से तो सेंड हो गई, ये मेरे इनबॉक्स में क्यों नहीं आई, यू नो व्हाट्स द रीजन, क्योंकि उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं था। सब्जेक्ट होता तो वो मेल डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में पहुंचती, सब्जेक्ट नहीं था दैट इज वाई इट वॉज फिल्टर किया गया, उसको आपके स्पैम बॉक्स तक फिल्टर होके वो आपके इनबॉक्स में नहीं आई। मे बी उसके अंदर कुछ हैजार्डस कंटेंट होता, मे बी उसके अंदर कुछ करप्ट फाइल्स आ जाती जो आपका पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय करके रख देती, देन हाउ इज इट गोइंग टू हैपन। आपके और मेरे पास तो नॉर्मल मेल जानी है चलती है, बट आपने देखे होंगे कोई बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां तो बहुत कॉन्फिडेंशियल मेल्स होती है, बहुत से हैकर्स वहां पे उल्टी सीधी मेल करते रहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें फिल्टर देने पड़ते हैं। वो फिल्टर क्या करते हैं, लाइक हमारे घर में गार्ड्स होते हैं ना, चौकीदार जो बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, वो आने वाले हर गेस्ट को फिल्टर ही करते हैं, उन्हें कोई भी अननोन सा बंदा लगता है वो कभी भी उसको आया और गेट खोला हाँ चले जाओ अंदर, हाँ चले जाओ अंदर, ऐसा करता है नहीं। मेन डोर क्लोज होता है, डोर के अंदर या डोर के बाहर गार्ड बैठा होगा, वो पूछेगा आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो। बिग सिटीज जो बिग पीपल होते हैं, ज्यादा हम बोलेंगे हाईली डेजिग्नेटेड पीपल है जो बहुत कॉन्फिडेंशियल जॉब से हैं, उनके पास तो जाने वालों के आईडीज भी देखे जाते हैं, वंस योर आईडी इज प्रूव राइट देन ओनली यू आर अलाउड टू एंटर इन द हाउस, दैट टू विद द प्रायर परमिशन ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस जिससे वो मिलने आए हैं। अब गार्ड का काम कहाँ तक है कि उसने कुछ क्राइटेरिया फिल्टर किए, वहां से इंफॉर्मेशन ली एंड फाइनली उसने उनको गेट के अंदर एंटर करी। फिर वो पर्सन मन में क्या लेके अंदर चला गया, यस प्रूव हिमसेल्फ राइट, ही इज अ गुड मैन, ओनर ने खुद बोला है ओके सेंड हिम इनसाइड, तो गार्ड का वर्क तो वहां फिनिश हो गया ना, गार्ड ने तो उसको भेज दिया अंदर, जाके वो भले उससे लड़ाई करने लग जाए तो उसमें गार्ड की क्या गलती। तो फिल्टर का काम क्या है, सब्जेक्ट तक फिल्टर किया, आपकी चीज आपके पास भेज दी, अब इनबॉक्स में आ गई वो मेल, अब उसके बाद भी उसमें कुछ गड़बड़ हो तो उसमें हमारे फिल्टर का कोई दोष नहीं है। फिल्टर का काम था इनबॉक्स तक भेजना, अगर उसको चीजें क्लियर थी, जो क्राइटेरिया थे वो फिट थे तो उसने इनबॉक्स में भेज दिया, अगर क्राइटेरिया फिट नहीं थे तो उसने स्पैम बॉक्स में ही उसको रोक दिया। तो इसी तरह से अगर आपके लेटर में सब्जेक्ट नहीं होता ना, इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू लॉट्स ऑफ मार्क्स, बिकॉज फॉर्मेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सब्जेक्ट।
एंड बहुत ही सिंपल सी चीज है, आर्टिकल राइटिंग करते हो, ऐसे राइटिंग करते हो, उसमें क्या होता है, अगर हेडिंग टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत अच्छा होता है ना, तो हम पूरा लेटर, पूरा ऐसे, पूरा पैराग्राफ पढ़ने का हमारा मन करता है। तो अगर यहाँ सब्जेक्ट से ही चीज क्लियर हो जाएगी ना, तभी मेरा कहीं ना कहीं मैं ये डिसाइड कर पाऊंगी, ओके दिस इज इम्पोर्टेंट एंड आई शुड रीड इट, ओके। तो ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर मैंने आपको पूरी इतनी अच्छी खासी एक तरह से आई कैन से एक अच्छा सा ऐसे ही सुना दिया है, तो इस चीज को आप भूलोगे नहीं एंड यू विल ऑलवेज पे अटेंशन दैट यू डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द सब्जेक्ट। आफ्टर द सब्जेक्ट यू हैव टू राइट लीव अ लाइन, ठीक है, लीव अ लाइन एंड राइट रिस्पेक्टेड, ऑब्वियसली चीज है सर और मैम, मैडम, ठीक है, फॉर्मल वर्ड यूज करोगे, मैडम ही लिखना, सर और मैडम, यहाँ पे आप डियर नहीं लिखोगे बिकॉज इट्स व्हाट लेटर, इट्स अ फॉर्मल लेटर, तो राइट सर और मैडम। देन लाइक एवरी लेटर, दिस लेटर ऑल्सो कंटेन्स थ्री पैराग्राफ, दैट इज पैराग्राफ वन, पैराग्राफ टू एंड पैराग्राफ थ्री, ओके, पैराग्राफ वन, पैराग्राफ टू एंड पैराग्राफ थ्री। नाउ वन के अंदर वी नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, पैराग्राफ वन के अंदर आएगा इंट्रोडक्शन, ओके, पैराग्राफ टू के अंदर आएगी डिटेल एंड पैराग्राफ थ्री के अंदर क्या आएगा, सम अप कर दोगे आप इस लेटर को, ठीक है। इंट्रोडक्शन इज लाइक आप एक एडिटर को लिख रहे हो लेटर, यू आर गोइंग टू टेल दैट एडिटर दैट टुडे थ्रू दिस रिनाउंड टू द कॉलम ऑफ योर रिनाउंड न्यूज़पेपर, आई शीतल सिदाना एज एन अवेयर सिटीजन ऑफ माय लोकेलिटी वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ बैड लाइटनिंग इन आवर सोसाइटी। तो मैंने क्या किया इंट्रो, तो इसी से पता चल गया दैट माई इंट्रो हु आई एम, इंट्रोडक्शन ऑफ योर न्यूज़पेपर दैट इट्स अ वेरी रिनाउंड न्यूज़पेपर, an introduction of the complaint that what this letter is about, it's about the complaint regarding the bad lighting system of my society which is going to cause lots of things, okay, so ye introduction detail mein what are the causes and what are the effects that you are facing and why it has been raised as a big complaint, so puri detail usme sum up is that aap puri problem ko sum up kar doge and after that you are going to conclude it by giving a suggestion or by making a request, that is aap aise bol sakte ho, I hope that the authorities are going to take up the necessary steps as soon as possible and get us the proper lighting system so that we can live life more comfortably in our society. So is tarah se aap hopes karte hue kuch suggestion dete hue aap isko third paragraph, तो इसके पैराग्राफ तीन ही होने चाहिए, इट्स अ फॉर्मेट पार्ट, तो दो पैराग्राफ होंगे तो ऑब्वियसली चीजें जो कंटेंट के मार्क्स होते हैं उसमें से कुछ मार्क्स कट होते हैं बिकॉज क्राइटेरिया सेट है तीन पैराग्राफ, तो तीन होने चाहिए। देन क्योंकि ये फॉर्मल है तो इसमें आप थैंकिंग यू जरूर लिखोगे, ठीक है, होता है ना व्हेन यू आस्क योर टीचर मैम कैन आई डू दिस एंड इफ द मैम गिव्स यू परमिशन तो आप हमेशा क्या बोलते थैंक यू मैम, है ना, आप कुछ भी चीज होती है आप अपने प्रिंसिपल के पास गए, और अगर हम लेटर ऑन हम जब जॉब करने लगेंगे हम ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिशियल चीजों में आप हमेशा थैंक यू को यूज करते हो, है ना, तो वो वहां पे क्या होता है, तो थैंक यू। अब घर जाते हो इफ मम्मा कीप्स योर क्लोथ रेडी सो दैट यू कैन गेट हैव अ बाथ और उसके बाद में फटाफट से आप चेंज करके आ जाओ, हैव फूड, वो आपका टेस्टी फूड बना के रखे, तभी बोलते हो मॉम थैंक यू सो मच यू डिड दिस फॉर मी, ओ मैम मॉम थैंक यू डिड दिस फॉर मी, होता है नहीं क्यों, मेरी मम्मी है मेरे लिए तो करेंगी, मेरे लिए नहीं करेंगी तो किसके लिए करेंगी, वो मुझे बहुत प्यार करती है मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, तो उस तरह से तो वहां थैंक यू नहीं होते हैं व्हेन यू आर इनफॉर्मल। फ्रेंड की पेंसिल उठा के कभी थैंक यू बोलते हो, नहीं, उसकी तो लेने के बाद देने के बाद बोलते हो ये ले तेरी पेंसिल मैंने ली थी मेरा काम हो गया ये ले तू रख ले, थैंक यू जैसा कुछ भी नहीं होता, तो वहां फॉर्मेलिटीज नहीं है, बट जहां फॉर्मेलिटीज है वी यूज थैंक यू, सो राइट यू आर थैंकिंग यू योर फेथफुली, ठीक है, फेथफुली और सिंसियरली कुछ भी लिख सकते हो, लविंगली मत लिखना, अदर देन दैट फॉर्मल क्लोजेज आप लिख सकते हो, फिर देन इट्स टाइम टू राइट द नेम एट द एंड, नेम एंड एड्रेस इफ इट्स गिवन इन द क्वेश्चन देन यू आर गोइंग टू यूज दैट नेम एंड एड्रेस,
अगर नहीं दिया देन यू कैन योर रियल वन. ओके, एक चीज और जो आपको ध्यान देनी है वो ये देना है, जैसे मैंने आपको बोला एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क ऑन दिस मार्जिन. इस मार्जिन पे ही हर चीज काम करेगी. ठीक है, हर चीज इस लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पता क्या रूल होता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पैटर्न. सीबीएसई का पैटर्न है, दैट इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड पैटर्न. ओके, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पैटर्न है इसी को फॉलो करते हुए मैं आपको एक चीज बता रही हूँ. लाइक सपोज दिस इज द मार्जिन. ठीक है, आपने ये एड्रेस डेट वेट सब कुछ लिख लिया, रिस्पेक्टेड जो भी लिखना था. देन इट्स अ टाइम टू स्टार्ट द पैराग्राफ. ठीक है, अब ये आपका पैराग्राफ चल रहा है, थ्री पैराग्राफ. ये पैराग्राफ आपका यहाँ पे फिनिश हो गया. देन नेक्स्ट पैराग्राफ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर अगेन. यहाँ से नहीं करोगे, अगेन फ्रॉम द कॉर्नर. अगर ये पैराग्राफ भी आपका यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ अगेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. यहाँ लेटर आपका खत्म हुआ एंड यहाँ पे आपने थैंकिंग यू लिखा, योर सिंसियरली लिखा, योर नेम लिखा. ओके, तो अगर इस तरीके से करोगे तो इट्स गोइंग टू बी करेक्ट. कहीं पे भी पैराग्राफ फिनिश हो, स्टार्ट द न्यू पैराग्राफ राइट फ्रॉम दिस कॉर्नर. ओके, तो देखो सेंडर्स एड्रेस, डेट, एड्रेस ऑफ द एड्रेस रिसीवर, सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, पैराग्राफ वन, पैराग्राफ टू, पैराग्राफ थ्री, दैट इज इंट्रोडक्शन, डिटेल एंड सम अप. देन कम्स द थैंकिंग यू, देन कम्स योर फेथफुली, एंड देन कम्स योर नेम. नेम एंड एड्रेस इज गिवन, देन दैट वन, अदरवाइज यू हैव टू यूज योर रियल आइडेंटिटी नेम. लेफ्ट हैंड साइड पैटर्न को आपको फॉलो करना है. व्हेन यू टॉक ऑफ द पैराग्राफ तो आपको ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना है, दैट यू हैव टू डू एवरीथिंग फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन. एक मार्क्स का लेटर है ना, नहीं नहीं करते आपके थ्री, ऑलमोस्ट थ्री, थ्री एंड हाफ मार्क्स आपके किसके कंटेन होते हैं, इस पूरे के पूरे फॉर्मेट के होते हैं. तो हम गंदा भी लिखेंगे तो एटलीस्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने बहुत गलतियां कर दी, ग्रामेटिकल एरर्स कर दिए, बहुत कुछ, मतलब बहुत हम बोलेंगे कि हमारा जो लेटर है ना, हम बोल देना मम्मा मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, गंदा हो गया, है ना. उसी तरह से हम बोल देंगे कि जो लेटर है वो मेरा गंदा लिख दिया मैंने लेटर. गंदा इन द सेंस कैसे लिख दिया, आपने बहुत से एरर्स कर दिए. ठीक है, आपने लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं लिखी, कंटेंट बहुत अच्छा नहीं दे पाए, बट स्टिल अगर आपका फॉर्मेट अच्छा है ना तो थ्री, थ्री एंड हाफ मार्क्स तो आपके श्योर है ना. बाकी आपके जो कटेंगे वो आपके कंटेंट और ग्रामेटिकल एरर्स के कटेंगे. तो एटलीस्ट दे फोकस ऑन द वी कैन से दिस फॉर्मेट. ओके, ओके, सो वी आर गोइंग टू डू द इनफॉर्मल वन ऑल्सो. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकेंड, दैट इज इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल हमें पता है क्या था, इनफॉर्मल ये. अब दोनों में फर्क है भी, और उसका फॉर्मेट अगर आपको अच्छे से आ गया तो इसका आप कर लोगे. ठीक है, सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि फॉर्मल आपके ऑफिशियल बिजनेस लेटर्स हो गए, इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, कजन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इनके लिए हो गए, है ना. तो इसमें देखो सबसे पहले तो सेम वही चीज ना, अगर आपने उसको कहीं लिख रखा है ना तो उससे इसको कंपेयर करना, दिस इज सो इजी. सबसे ऊपर आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस. ओके, देन जस्ट लीव अ लाइन, आफ्टर लीविंग अ लाइन राइट डेट, देन लीव अ लाइन. कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई दूसरा एड्रेस नहीं है, नथिंग. एक लाइन छोड़ के सीधा क्या लिखोगे, डियर सो एंड सो, जिसको भी लिखना चाह रहे हो, डियर सो एंड सो. सब्जेक्ट नहीं आता, दूसरा एड्रेस नहीं आता, जस्ट वन एड्रेस, डेट, डियर, जिसको भी लिख रहे हो, दैट पर्सन. देन वही पैराग्राफ इसमें भी सेम रहते हैं, पैराग्राफ वन, पैराग्राफ टू, एंड कम्स द पैराग्राफ थ्री. नाउ वही इसके अंदर हाय, हेलो एंड द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, दैट आई एक्सप्लेन यू क्या मतलब है इसका. सेकेंड के अंदर द डिटेल,
ठीक है। थर्ड के अंदर में समाप्त प्लस यू वॉन्ट टू गिव लव टू एनी वन और पे रिगार्ड टू द एल्डर्स, ये सारा इसमें। नो थैंकिंग यू इज नीडेड, जहां पे इनफॉर्मल है, जहां औपचारिकता नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है, यू नो नीड टू से थैंक यू, बिकॉज वो जो एक्सपेक्शन होता है ना हमारा, थैंक यू वाला जो एक्सपेक्शन होता है, वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू आर ओन पीपल। तो बोलते लिखने से कोई एक्स्ट्रा थैंक्स नहीं होते। हाँ, द पर्सन हु इज स्ट्रेंजर एंड ही इज टेकिंग अप द पेन टू डू समथिंग फॉर अस, देन ही और शी रिक्वायर्स अ थैंक यू इन एक्सचेंज, इन रिटर्न, तो हम उनको थैंक यू करते हैं। बट द पीपल हु बिलोंग टू अस, who we have affection with, तो वहां पे thank you और जो emotions, जो feeling, ये connection होता है, वो सारा by heart होता है। तो वहां बार बार thank you बोलने से कुछ special achievements नहीं होते। तो informals में you don't need to say thank you, वो एक अलग बात है, that you are such a great person, कि आप हमेशा एक gratitude आपके मन के अंदर रहता है, and you want to keep on saying thank you all day, so you can say, वो मना नहीं है। बट अगर हम वी आर टॉकिंग ऑफ द फॉर्मेट, तो इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में थैंकिंग यू नहीं है। तो यहाँ पे सीधा क्या आएगा, योर लविंगली एंड देन द नेम, एंड नेम एंड एड्रेस अगेन आई विल से, कि अगर कुछ मेंशन है तो आप वो वाला लिखोगे इन द क्वेश्चन, अदरवाइज यू आर गोइंग टू यूज योर रियल नेम। So when we talk of this, hi, hello and introduction, details, sum up, love and regards. So hi, hello, कहने का मतलब, suppose it was my birthday party yesterday and I am writing this letter to my cousin who was with, because of some reason was not able to be present on my birthday. So मैं उनको ये letter लिख रही हूँ, तो I will say hi, hello, how are you? I hope you are fine as I am fine here. So I just wanted to share my experience of my birthday party, as I missed you a lot, but you were not able to come because of some reason that I understand. So I would just like to tell you about my birthday party, that I missed you, but I enjoyed a lot. Okay? So ye aapka bhi introduction ho gaya, unse bhi aapne address kar liya unko, and then aapne ye introduction de diya that what this letter is about. अब डिटेल्स में यू आर गोइंग टू गिव द डिटेल्स ऑफ कंप्लीट बर्थडे पार्टी राइट फ्रॉम द बिगनिंग, रिसीविंग ऑफ द गेस्ट, केक कटिंग, गेम्स, स्नैक्स, रिफ्रेशमेंट, फूड, डिनर, देन आफ्टर डिनर गेम्स, डेजर्ट्स, एंड हाउ यू सी ऑफ योर गेस्ट एंड द गिफ्ट दैट यू ओपन एंड यू रिसीव द ब्यूटिफुल थिंग्स एज बर्थडे प्रेजेंट, सो दैट ओपनिंग ऑफ द गिफ्ट, लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस एंड एवरीथिंग, एंड हाउ द बर्थडे वॉज ओवर फॉर योर डे, and it was a memory to be cherished forever. So wo wali cheez jitni bhi detail hai that you are going to give in the paragraph 2, that is detail. So give the complete detail of your birthday, that is from receiving to see of the guest once the party is over. Paragraph 3 comes as sum up love and regards, that is sum up hum kaise kar sakte, so it was a great birthday, I enjoyed a lot, but yes, this is another a true fact that I missed you a lot, and I hope to see you next year on my birthday positively, and give my regards to whoever elder is in his house, jisko bhi aap likh rahe ho unke ghar mein, uncle, auntie, dada, dadi, mom, dad, whoever is elder person over there, unka regards doge, and love to the younger brothers and sister. If you want to mention the name, ap name se mention kar do, simply you can write give my love to the younger brother and sister. तो इस तरह से आप उसको पैराग्राफ 3 को सम अप कर दोगे. ओके, बाय समिंग अप दैट इज होप टू सी यू सून, hope to meet you soon, and then you are going to pay regards to the elders and love to the youngers. Then it's going to come yours lovingly, either it's your grandparents, your parents, your relative, your cousins, your friends, sabke liye hum lovingly hi address karenge, then going to come the name. Name and address, if mentioned in the question, use that, otherwise use your real. Then you have to use the left hand side pattern again in this, isme bhi left hand side pattern use karna hai. पैराग्राफ का फॉर्मेट इसमें भी वही रहेगा, ये सारे फॉर्मेट जो है जितना जितना डिमांड किया उतना लिखोगे, बट लेफ्ट हैंड साइड इज गोइंग टू बी फॉलोड. पैराग्राफ सिमिलर वे में, यहाँ पे अगर पैराग्राफ खत्म है बिगिन फ्रॉम हियर, यहाँ खत्म है बिगिन फ्रॉम हियर, देन अगेन आपको ये चीजें यहीं से शुरू करनी है. तो फॉलो द लेफ्ट हैंड साइड पैटर्न, ऐसा मत करना एक पैराग्राफ यहाँ हो तो एक वहां से शुरू कर दिया, यहाँ खत्म हुआ तो वहां से नो. इफ वन इज फिनिश्ड ओवर हियर, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, इफ फिनिश्ड हियर स्टार्ट फ्रॉम हियर. Use everything in the left hand side pattern. Okay, then this format is going to be correct. So this is all we can say for your letter writing. I hope you all understood it nicely. So I'll be giving you some practice questions related to the letters that you will complete, and then I will check them
So if everything is clear, then quickly raise your hands. If you both understood all these letters very nicely, quickly raise your hands, everyone. Good. Okay, so this is all for our class today. So just take care of yourself. Go through the format. I hope once you go through them, you will find that everything is very well clear to you and you will be able to do the questions yourself. Okay, so take care of yourself and keep studying, and we'll be meeting in our next class.